प्रिय सिंह ठाकुर, स्वागत है आपका के न्यूज में। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और ACC गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। 16 साल बाद प्रदेश की 4 सीटों पर 50 प्रत्याशी, जानिए क्या कहना है जनता का छोटे दलों और आजाद प्रत्याशियों के बारे में। नोटा बटन पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया, कईयों को तो अभी भी नहीं पता क्या है नोटा। सिरमौर के गांव नारंग के लोगों ने किया आम चुनावों का बहिष्कार, प्रशासन द्वारा पंचायत प्रधान पर चाहते हैं कार्यवाही। और मोदी टी स्टॉल के बाद बीजेपी का एक नया प्रचार का हथकंडा, हेयर सलून में बांट रहे हैं एप्रिल। 16 साल बाद प्रदेश की 4 सीटों पर 50 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, पर इन प्रत्याशियों में से अगर भाजपा कांग्रेस के 8 प्रत्याशियों को छोड़ दिया जाए तो 42 प्रत्याशी या तो आजाद रूप से खड़े हैं या फिर छोटी पार्टियों से संबंध रखते हैं। क्या इन चुनावों में छोटी पार्टियों के प्रत्याशी या आजाद प्रत्याशी कुछ फर्क डाल पाएंगे, आइए जानते हैं पब्लिक क्या सोचती है इस मुद्दे पर। 16 साल बाद हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर 50 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। पहली बार न केवल तमाम छोटे दलों बल्कि बड़े पैमाने पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी पर्चा दाखिल किया है। यह तस्वीर बड़े दलों के लिए खतरे की घंटी भी साबित हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा जैसी बड़ी पार्टियां अंदर खाते कुछ को बैठाने की कोशिश में जुट गए हैं, जिससे उनका किसी भी सूरत में समीकरण खराब ना हो पाए। इसको लेकर संपर्क साधने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। जब मंडी की जनता से हमने इस मर्तबा पूछा कि क्या ये प्रत्याशी या छोटे दल चुनावों में फर्क डाल सकते हैं, तो कईयों का जवाब हाँ में था। अब इसके बारे में तो पब्लिक ही जानती है, पब्लिक पर डिपेंड करता है जी, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, काफी पड़ा मेरे ख्याल ज्यादा पड़ा। क्यों पड़ा? कुछ ना कुछ वोट तो लेने हैं किसने कैंडिडेट ने, थोड़ा बहुत तो डालेंगे ही। नहीं, वोट तो स्कैटर करेंगे और थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा बड़ी दलों की जीत पे। तो वैसे तकरीबन लग ही रहा है, मतलब आम पार्टियों का जोर काफ़ी है। बड़ी सीटों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि छोटे दल दिल्ली जैसे बड़े राज्यों में भी इसका प्रभाव देखा गया, तो हो सकता है कि इस राज्य में भी इसका प्रभाव दृष्टिगोचर हो। बहुत बढ़ेगा तो फिर दो। वहीं कई लोग हमें ऐसे भी मिले जो इस बात पर यकीन करते हैं कि इन छोटे दलों और प्रत्याशियों का बड़ी पार्टियों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो ये जो BJP और कांग्रेस में मुकाबला होगा कोई पता नहीं लग रहा। वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे, मोदी की लहर है उसको ही देंगे। कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट तो कोई भी कुछ नहीं है, यहाँ जीरो है। काफी कंपटीशन लग रहा है, फिर भी देखने नहीं, इंडिपेंडेंट के लिए तो कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ तो दो ही है, BJP और कांग्रेस। ये तो उसमें जानकार में लगेगा पता किसकी लहर ज्यादा होगी, उसको आ जाएंगे। बड़ी पार्टी को थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब सब लोग जागृत हो चुके हैं, इन पार्टियों से भी तंग आ चुके हैं। अब खास फर्क तो पड़ने वाला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आदमी ज़्यादातर जो है दो ही पार्टी पर सीमित है। बड़ी पार्टी को तो वैसे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, इन क्षेत्रीय जो नुमाइंदे खड़े होते हैं, क्योंकि विचारधारा जो है ये बहुत पहले से इन बड़ी पार्टियों की चली हुई होती है, जैसे कि कांग्रेस की है, BJP की है। क्षेत्रीय पार्टियों का फर्क तब पड़ता है जब इनके मुख्य नुमाइंदे जो चुनाव में उतरते हैं या पार्टी के रूप में, तो इन आज़ाद उम्मीदवारों का कुछ ज़्यादा अस्तित्व नहीं रहता। आई डोंट नो, मैं बहुत दूर हूँ इन चीज़ों से।
आजाद उम्मीदवार काफी खड़े चुके हैं, कांग्रेस को कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल फर्क पड़ेगा या नहीं ये तो रिजल्ट बता ही देंगे, लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस भाजपा प्रत्याशियों के लिए एक एक वोट महत्वपूर्ण है। दोनों ही दल इस चुनाव में आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। इसी कड़ी में अब अपने प्रत्याशियों के पक्ष में निर्दलीय प्रत्याशी की मान मनोवल शुरू कर दी गई है। 23 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों की इन प्रत्याशियों को बिठाने की कवायद तेज हो चुकी है। इस दौरान बड़े दलों की खेल करने की तैयारी होगी जिससे उनके वोट पर किसी तरह का चोट ना पहुंच पाए। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। इस बार के लोकसभा चुनावों में जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनाव आयोग ने वोटिंग मशीन में एक नए बटन की व्यवस्था की है। इस बटन का नाम है नोटा और इसका इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब आपको प्रत्याशियों की लिस्ट में से कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है, तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। लेकिन क्या जनता इस बटन के बारे में जानती है, और अगर जानती भी है तो उसकी इस नोटा बटन के बारे में क्या राय है, आइए जानते हैं खुद जनता की जुबानी। नोटा से कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि नोटा में ये प्रावधान है कि अगर किसी वोटर को कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो नोटा का बटन दबा के अपना रिजेंटमेंट शो कर सकता है। नोटा का असर तो हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जनता का सहयोग रहा तो आगे बढ़ने के लक्ष्य है। किसी कैंडिडेट को वोट नहीं डालेंगे तो नोटा में डालो? बहुत कम ऐसे चांस होंगे। नए नोटा में ग्लोब को ही दबाएंगे बटन। नोटा का तो हिमाचल में कुछ नहीं, अभी फिलहाल लोगों को इसकी इतनी कोई जागरूकता नहीं है नोटा के बारे में। बाकी ठीक है, नोटा का जो हो रहा है वो चला हुआ है, कोई कैंडिडेट जिसको नहीं पसंद आएगा वो दबा देगा। बिल्कुल, नोटा का तो इस्तेमाल हर व्यक्ति को करना चाहिए लगभग, क्योंकि जो पार्टियां हैं आजकल इन्होंने आम जनता को बहुत ज़्यादा त्रस्त किया है, हर बार झूठे वादे करके भूल जाते हैं, तो इसलिए एक बार नोटा का भी इस्तेमाल, ये तो एक समझ लीजिए जादुई प्रभाव जैसा है। इलेक्शन कमीशन ने इस बार जो बटन नया दिया है नोटा का जो, और मेरे ख्याल से वो सही है। अगर जनता को लगता है कि किसी एमपी ने हमारे इलाके में विकास नहीं करवाया, जो हमारे काम नहीं करता है, कोई भी हो, कोई भी किसी भी पार्टी से हो, तो ये बटन ये प्रयोग कर सकता है। और ये बटन ये लोकतंत्र में बहुत ही जरूरी है, और ये जो हमारे नेता है उनके लिए भी एक संदेश है कि अगर भविष्य में वो काम नहीं करेंगे तो लोग जो है इस बटन का प्रयोग करेंगे, और उनको जो है एक उससे जो है मैसेज आएगा उनको कि आप काम कीजिए, हम आपको पूरा सहयोग देंगे, वरना लोग जो है उनकी जो है मदद नहीं करेंगे। नोटा बटनों का इस्तेमाल इस बार कितना हो पाएगा? पता नहीं कितना का है वो, होने का ऐसा है। आई डोंट नो। हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आजकल जितने भी लोग इलेक्शन के लिए खड़े हो जाते हैं, कोई अच्छा आदमी है, कोई बुरा आदमी है, लेकिन कोई लोग ऐसे हैं जो सभी पार्टियों में जो है भ्रष्टाचारी होते हैं, या दूसरे किस्म के लोग होते हैं जिसमें मुकदमे चले हुए हैं जिनके ऊपर, ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं। अगर वो सभी पार्टियों से ऐसे लोग खड़े हो जो बदनाम हो, और उन लोगों को किसी को हमारी जनता आम जनता को कोई भी पसंद ना आए, जो आदमी उन आदमी के लिए वो नोटा बहुत आवश्यक है कि हमारा ऐसा कैंडिडेट हमारा आदमी कोई भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ये नोटा वहाँ यूज होगा और बहुत अच्छा है, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है ये जो है। नोटा में बहुत कम करेंगे क्योंकि इतना बड़ा प्रभाव नहीं है, ना किसी को पता है ना अभी तक चला हुआ। नहीं, ये जो चुनाव प्रणाली है इसमें तो ये कोई विकल्प है ही नहीं कि किसी को नेता को एक को वोट नहीं डाल सकते हैं। नहीं जी, नहीं जानते अभी तक। जो कैंडिडेट पसंद नहीं नोटा में वोट डाल सकते, क्या पता है आपको? नहीं, वो नहीं पता। अब ये तो पब्लिक आगे फ्यूचर में देखेगी क्या जानकारी होगी, अब हमें क्या मालूम है इसके बारे में। सर हम तो गांव का आदमी से बोल लिया है बार। यहाँ मतलब ही नहीं है नोटा को वोट डालने का, प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तो नोटा तो मैंने आज पहली बार सुना, भी कैसा नोटा है? नोटा का बटन किस लिए यूज करते? नोटा का बटन तो वोट देने के लिए। आपको पता कि एक नोटा का बटन भी है मशीन में, वो किस लिए यूज किया जाएगा? दरअसल इसके बारे में अभी तक मैंने सुना नहीं, मालूम नहीं है। के न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।
1928 से आपकी सेवा में। रतन सिंह सराफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सराफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अश्मि डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अश्मि डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन सिंह सराफ एंड सन्स, मोती बाजार मंडी हिमाचल प्रदेश। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में। एक संपूर्ण रेस्टोरेंट अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा, टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक मंडी। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नेर चौक तहसील सदर डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश। अप्रूव्ड बाय AICTE, NCTE, PCI एंड एफिलिएटेड टू HPU शिमला, HPTU हमीरपुर एंड HPT SP धर्मशाला। कोर्सेज ऑफर्ड इंजीनियर एंड टेक, BTech, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, CE, ME, EE, ECE, फार्मेसी, बी फार्मेसी एंड एम फार्मेसी, मैनेजमेंट, BBA, MBA, other courses, proposed courses, BSc in Hotel Management, Health and Spa, MLT, features, highly experienced and knowledgeable faculty, well-equipped laboratory, high-tech computer lab having 24 hours internet facility, transport facility from surrounding areas like Mandi, Sundarnagar and Nair Chowk, etc. Separate hostel facility for girls and boys, free medical facility and own ambulance van. Contact. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2014 के माध्यम से छठी कक्षा के लिए आवेदन किया है कि परीक्षा तिथि आम चुनावों के कारण 12/4/2014 शनिवार से बदलकर दिनांक 7/6/2014 शनिवार को हो गई है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905 282046 पर संपर्क कर सकते हैं। जिला सिरमौर के गांव नारक के ग्रामवासियों ने चुनावों के बहिष्कार का मन बना लिया है, जिसके चलते गांव वासियों द्वारा चुनाव का बहिष्कार करना शुरू हो गया है। गांव वासियों का कहना है कि गांव का प्रधान गांव के विकास में सबसे बड़ी बाधा बन चुका है और अपने मनमानी कर रहा है। यहां तक कि उसके विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो पैसा आ रहा है, लेकिन प्रधान उस पैसे में धांधलियां कर रहा है और प्रशासन उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा। धांधलियों का खुलासा गांव वासियों द्वारा विभिन्न सूचना के अधिकार के अंतर्गत हो चुका है, जिसके बारे में वे उपायुक्त नाहन, BDO सराहा, प्लानिंग अधिकारी को भी सूचित कर चुके हैं, जिस पर कार्यवाही करते हुए अधिकारियों द्वारा गांव का मुआयना तो किया गया और अपनी रिपोर्ट में प्रधान के खिलाफ कार्य में अनियमितताएं तो लिखी गई हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी वजह से प्रधान के हौसले और भी खुल गए और अब वह गांव के सजग RTI एक्टिविस्ट को डराने धमकाने पर उतारू हो चुके हैं और उनके गांव के विकास के सभी कार्य रोक दिए गए हैं। गांव वालों का कहना है कि गांव में जो भी प्रधान के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर रहा है, उसे डरा धमका कर आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैंने तो यहाँ पे कोई मजदूरी नहीं की है और ना यहाँ पे कोई नाली बनी है। मेरा नाम फ्रॉड भरा गया है और मेरे नाम पर पैसे खाए गए हैं। और हमें यहाँ पे लाइट की आवश्यकता थी, पर लाइट का खड्डा दिया गया और इसमें कोई लाइट नहीं लगी और लोगों ने घर घर में लगाई लाइटें।
जबकि अभी वीडियो साहब जी आए थे, उन्होंने मौका देखा, फिर गांव-गांव में सारे चेक किए, तो यहाँ पे उन्होंने मंजूर किया भाई यहाँ पे लाइट लगनी चाहिए भाई, पर यहाँ पे कोई लाइट नहीं लगी। और अगर प्रधान के पास जाते हैं तो प्रधान तो ऐसे भी बोलता है कि मोर के लिए मेरे पास है ही कुछ नहीं, धमकियाँ देते हैं। जैसे हमारी ये कमेटी बनी, कमेटी के लिए धमकियाँ देते हैं कि इनको पुलिस वालों से कुटवाएंगे, वो करेंगे सो करेंगे। ये टैंक की स्कीम आई थी हमारी, तो इसमें ना तो हमारे को मटीरियल पूरा दिया गया, इसमें 43 कट्टे थे सर, जो हमारे को 38 ही कट्टे मिले। इसमें हमने कुछ अपने मटीरियल लगाया है, अपना सीमेंट भी अपना लगाया है और सब कुछ अपना लगाया है, तो इसमें जितना हमारे पास हो सका सर उतना हमने कर दिया। आदर्श ग्राम योजना में हमारे पास सड़कें बनाने के लिए, नालियां बनाने के लिए और पेयजल योजना के लिए पैसा आया हुआ है, तो उसका मतलब कहीं भी अभी तक लगा नहीं हो, उस पैसे को कहीं यूज नहीं किया है। तो हमने कई अधिकारियों को भी बताया, डीसी साहब से मिले, उनको ज्ञापन भी दिया है, तो उसके बाद यहाँ पे दौरा भी किया गया, अधिकारियों का दौरा किया है, उसके बावजूद भी कोई काम नहीं किए गए। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। इसमें RTI से हमने इन्फॉर्मेशन ली है कि जो भी ये नालियाँ बनी हैं ये सारी फ्रॉड हैं और इसमें कोई काम नहीं हुआ है, और इसमें जो आदमियों के नाम डाले हैं जिन्होंने काम किया है, जो वर्कर हैं और मिस्त्री हैं, उनके नाम डाले गए हैं, तो उनमें से एक दो आदमी हमारे साथ हैं जिनके नाम डाले गए हैं, फ्रॉड साइन किए गए हैं। गांववासियों का कहना है कि उन्हें ग्राम पंचायतों की बैठकों में बुलाया नहीं जाता और खुद ही प्रस्ताव पारित कर निर्णय ले लिए जाते हैं, इसलिए उन्होंने संगठित होकर आने वाले लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का मन बना लिया है। और जब इस बात की सूचना प्रशासन के कानों तक पहुंची तो SDM राजगढ़ और खंड विकास अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने गांववासियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही अनियमितताओं की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये जो लोग गाँव के हैं, इनके जो कुछ काम जो नहीं हो रहे हैं, उस चक्कर में ये अपने हमारे इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे, उसको देख के हम आए थे और वीडियो साहब को साथ लाए थे कि क्या कंप्लेंट, उनकी बिजली की थी, लाइटें प्रॉपर लगी हुई हैं, कुछ काम नहीं हो रहे हैं, तो इस मामले में पहले भी इंक्वायरी वीडियो साहब द्वारा की जा चुकी हुई है और PO साहब ने द्वारा उन्होंने भी इंक्वायरी की हुई है, तो उसकी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, तो हम उनको आश्वासन देते हैं कि जो भी यहाँ पे गलत हुआ होगा उसके विरुद्ध, जिसने भी किया होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और जो इनकी समस्या है उसको पूरा सॉल्व करेंगे। और मेरी प्रार्थना है कि ऐसे इलेक्शन में ये अपना बॉयकॉट ना करें। इसके उनको बोल दिया कि 28 के बाद 28 मई जैसे आचार संहिता खत्म होगी तो उसका प्रॉपर उनको पूरी इंक्वायरी की रिपोर्ट, जो भी होगा दोषी उसको उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी और जो इनकी समस्या है उसको दूर करेंगे। इसमें हमने बोला कि पूरी अपनी कंप्लेंट दो लिख के, जो भी धमकी दे रहा उसका नाम वगैरह दो, ये प्लेन कंप्लेंट दे रहे थे उससे बात नहीं बनेगी, जब इंक्वायरी होगी तो किसी का नाम तो आना चाहिए कि कौन कर रहा है वो, तो उनको बोल दिया गया और ये जैसे देंगे उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा ग्रामवासियों को आश्वासन तो दे दिया गया है लेकिन वे अब भी प्रशासन के सुस्त रवैये से खुश नजर नहीं आ रहे, क्योंकि RTI में प्रधान के खिलाफ इतने खुलासे होने के बावजूद भी अभी तक प्रशासन ने उसके खिलाफ कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया है। गांव वालों का कहना है कि चुनाव का बहिष्कार वे यूं ही जारी रखेंगे। के न्यूज के लिए सिरमौर से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। चलिए के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है, इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं, फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in Chawla chicken, superb chicken, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर मंडी मनाली हाईवे पर।
अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट करें 8265033999। मंडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ओनली परमानेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। वी हैव वेल एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड फैकल्टी, वेल इक्विप्ड सेपरेट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो लैब्स। स्पेशल एफर्ट टू मोटिवेट एंड एनकरेज द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज। फ्री कोचिंग फैसिलिटी टू नीडी एंड पुअर स्टूडेंट्स इन स्कूल प्रेमिसेस। House quiz competition activities is mandatory for all the students. School is situated in traffic free zone. For admissions, contact Mandi Public School near Hospital Road. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats. BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, Near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. भाजपा पार्टी द्वारा इस बार लोकसभा चुनावों में वोटरों को रिझाने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए गए हैं। भाजपा द्वारा देश भर में नमो टी स्टॉल के माध्यम से जहां चाय की दुकानों पर नमो टी से भाजपा द्वारा प्रचार किया जा रहा था, तो अब हिमाचल प्रदेश की बार्बर शॉप पर एप्रिन बांटे गए हैं, जिससे बार्बर की दुकान में आने वाले हर व्यक्ति को एप्रिन पहनाकर कटिंग व शेव करवाई जा रही है। हमीरपुर जिला भर में भी भाजपा के इस प्रचार अभियान में बार्बर भी मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए खुलकर आगे आ रहे हैं। वे भी हर ग्राहक को कमल के फूल वाला प्रिंट एप्रिन पहनाने के बाद भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। बार्बर शॉप के मालिकों ने बताया कि देश की हालत को देखते हुए बार्बर शॉप वालों ने भी नरेंद्र मोदी के समर्थन में उतरने का फैसला लिया है और वे मोदी के नाम के एप्रिन पहनाकर हर ग्राहक को भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। ये जैसे ग्राहक को हम सेटिस्फाई करने के लिए लगा रहे हैं, जैसे अब सरकार आएगी मोदी की, तो जैसे ये सरकार जैसे जो भी काम करेगी अच्छा करेगी, बढ़िया करेगी, हम तो ये चाहते हैं कि ये सरकार आए, बार बार आए और लोगों को यही प्रचार कर रहे हैं कि यही सरकार आनी चाहिए और मोदी सरकार अब की बार 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 आए। बार आपके सैलून में जो एप्रिन पहनाया जा रहा है, उनसे क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, हम मोदी सरकार के साथ हैं, बस ये हमारा मेन मुद्दा है। आप ग्राहकों से क्या प्रश्नों का जवाब? हम सब को यही सुझाव दे रहे हैं कि मोदी सरकार हमारे साथ। गौरतलब है कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को पहले देश भर में चाय वालों का समर्थन मिला और जगह जगह नमो टी स्टॉल चालू हुए। वहीं अब बार्बर शॉप के मालिक भी खुलकर मोदी के समर्थन में आ रहे हैं और जगह जगह हेयर कटिंग की दुकानों पर मोदी के चित्रयुक्त एप्रिन देखे जा रहे हैं। नमो टी स्टॉल के बाद यह दुकानें लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। गांव-गांव में हर दुकान पर इस प्रकार के एप्रिन देखे जा सकते हैं। भाजपा द्वारा प्रचार का यह अद्भुत तरीका इस बार लोकसभा के चुनावों में अपनाया जा रहा है। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रखेंगे। के न्यूज़ पर मंडी और हिमाचल की ताज़ातरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़।